हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। बेटा आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक चैप्टर को जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आप ऐसे देखो कि बिना इस चैप्टर को डिस्कस किए हुए हमको पता ही नहीं चलेगा इंजाइम्स के बारे में, हमारे बॉडी में कौन से इंजाइम्स का सिक्रीशन कहाँ हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इसका आइडिया नहीं लगेगा हमको। तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इस बात को समझे हम बेटा, आखिर डाइजेशन कहते किसको है, व्हाट इज द मींस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या है पहले ये समझते हम लोग, है ना। डाइजेशन कहते किसको है, कहता है ऐसा प्रोसेस, देखना इसको हम लिखते जा रहे हैं साथ में, कहता है डाइजेशन का जो डेफिनेशन है बेटा वो क्या है वो समझिएगा। कहता है द प्रोसेस विच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ अब यहीं से समझना है हम लोगों को, यहीं से हमारे पास एक बेहतरीन पॉइंट निकल के आएगा। कह रहा है वैसा प्रोसेस जो किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। हम लोग जब खाना खाते हैं बेटा तो क्या क्या होता है, हार्ड चीज़ को खाते हैं, बहुत सारे इंसॉल्युबल चीज़ होते हैं और कॉम्प्लेक्स चीज़ होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, द प्रोसेस विच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ हार्ड कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर इनटू, अब यहां ध्यान देना बेटा क्या कह रहा है, ऐसा प्रोसेस जो किसके ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है, हार्ड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बताइए, तो हार्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे सॉफ्ट में, कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल में, और इनसॉल्युबल किस में कन्वर्ट होगा सॉल्युबल में। तो इसका डेफिनेशन बहुत क्लियर है हमारे पास, कहता है ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस विच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ हार्ड कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर इनटू सॉफ्ट सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, और ये सारा किसके मदद से होगा, बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, किसके मदद से हो रहा है ये सब हो रहा है बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम के मदद से। तो ये क्लियर हो गया ना, वैसा प्रोसेस जो किसके ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है, तो हम लोग हार्ड को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं सॉफ्ट में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, और इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में, और ये सब हो रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से। हमारे पास जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है इसको हम सलाइवा बोलते हैं, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन हो गया, ये हो गया सलाइवा, क्लियर है ना। अब आते हैं, हमारे पास तीन पार्ट में डाइजेशन होता है, सबसे जो पहला डाइजेशन होगा ये कहाँ पे होगा, तो देखो हम लिखते चलते हैं, फर्स्ट डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा, फर्स्ट डाइजेशन हो रहा है हमारा माउथ में, कहाँ पे हो रहा है माउथ में हो रहा है। तो पहला डाइजेशन माउथ में हो रहा है, और माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होगा, यहाँ पे होगा स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च के फॉर्म का डाइजेशन यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें सेकेंड डाइजेशन की, तो सेकेंड डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ये होता है आपका स्टमक में, कहाँ पे हो रहा है, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो तो उसका कुछ चीज़ों का डाइजेशन माउथ में होता है, कुछ चीज़ों का डाइजेशन स्टमक में होगा, और जो लास्ट और कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, तो हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेशन ये हो रहा है ड्यूडेनम में। आप याद रखना इस बात को, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद कहीं भी डाइजेशन नहीं होने जा रहा। अगर हम बात करें ड्यूडेनम की, तो ड्यूडेनम के बाद कहीं भी किसी भी तरह के फूड का डाइजेशन नहीं होगा। तो हमारे पास ये पूरा डेफिनेशन क्लियर हो गया कि डाइजेशन कहते किसको हैं और डाइजेशन होता कहाँ कहाँ पे, ये क्लियर हो गया ना। इसको जल्दी से आप नोट आउट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सेकेंड पे चलते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट आउट कीजिए इसको। चलिए आइए, अब देखो बेटा हमारे सामने क्या है, डाइजेशन को हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब हमारे सामने है ये टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन। अगर हम बात करें, हमारे पास एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, क्या है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल है,
और अपने पास का जो एलिमेंट्री केनाल है ना वो काफी लंबा होता है, कहता है एलिमेंट्री केनाल माउथ टू एनस, माउथ से लेकर के एनस तक एक पाइप गया है हमारे बॉडी में, उसी को हम लोग एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। क्लियर है ना बेटा? एलिमेंट्री केनाल का मतलब हो गया वैसा डक्ट, वैसा पाइप जो माउथ टू एनस जाता हो। क्लियर है? इसको हम नोट करते हैं पहले, इसका देखते हैं मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री केनाल डिस्कस करेंगे बेटा। एलिमेंट्री केनाल कहते किसको है? एलिमेंट्री केनाल, अब देखो यहां पे एलिमेंट्री केनाल का हम डेफिनेशन क्या देंगे वो समझिएगा। डक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, डक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, डक्ट का ही दूसरा मतलब पाइप हो गया। तो वैसा पाइप जो कहां से कहां तक आता है, माउथ टू एनस आता है, उसी पाइप को हम लोग एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। और अब देखोगे कि एलिमेंट्री केनाल की लंबाई कितनी होती है ना, लेंथ क्या है एलिमेंट्री केनाल का। अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लंबाई है बेटा 9 मीटर, 9 मीटर का होता है हमारा एलिमेंट्री केनाल। अगर इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 फीट के अराउंड आएगा। आपको पता होगा 1 मीटर इक्वल टू 3.2 फीट के अप्रॉक्स होता है, तो 1 मीटर में 3 फीट के अप्रॉक्स, व 3 से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो 9 मीटर का है हमारा जो पूरा एलिमेंट्री केनाल है वो 9 मीटर का है। तो 9 मीटर हो गया, तो हम लोग मान के चलते हैं ये 30 फीट का अपना एलिमेंट्री केनाल है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग एलिमेंट्री केनाल को डिवाइड करते हैं हम लोग तीन पार्ट्स में। एलिमेंट्री केनाल इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ये एलिमेंट्री केनाल है और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट में। कौन कौन हो गया बोलिए तो, एक को हमने नाम दिया फोरगट, दूसरे को क्या नाम दिया मिडगट, तीसरे को क्या नाम दिया हमने बेटा, इसको कहा हमने हाइंडगट। एलिमेंट्री केनाल को हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। अब यहां देखो अगर इसको हम डिफाइन करें आखिर ये कहते किसको है, तो देखो फोरगट बोलते हैं माउथ को, माउथ हमारा फोरगट में आता है। अगर मिडगट की बात करें तो मिडगट में क्या आ गया, मिडगट में आ गया ईसोफेगस। कौन आ गया बेटा? ईसोफेगस आ गया। इसके बाद बताओ तो स्टमक आ गया, तीसरा कौन आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर कौन आया लार्ज इंटेस्टाइन, और हाइंडगट में आ गया आपका एनस। तो एलिमेंट्री केनाल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट में क्या आ गया? माउथ आ गया। मिडगट में कौन आता है? ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और हाइंडगट में एनस आता है। तो ये हमारा एलिमेंट्री केनाल हो गया। एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। आप यहाँ पे देखो, अगर इस फिगर को आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पर जो फिगर दिख रहा है बेटा आप लोगों को, आप देखो वहाँ पे एक कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल हम लोगों ने बना रखा है। ये एलिमेंट्री केनाल का पहला है, ये माउथ वाला एरिया हो गया ना। तो ये जो माउथ वाला एरिया है ये आता है आपका फोरगट में। उसके बाद यहाँ से जो पूरा एरिया है बेटा, ये पूरा एरिया जो है ये किस में आता है आपका? मिडगट में आता है। और जो लास्ट वाला एरिया है ये आता है आपका हाइंडगट में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये एलिमेंट्री केनाल हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम आएंगे तो हमको क्या पता चलेगा, हम लोग एक एक करके बेटा डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने फोरगट को डिसाइड करना बाकी है, इसको डिस्कस करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास माउथ वाला टॉपिक है, इसको जल्दी से आप पहले नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लिया? आगे देखते हम लोग। आइए तो देखो यहां पे इसके, इसको हम लोग एक बार पहले देखते हैं। ये आपको हमने पूरा हटा दिया। अब यहां पे अगर हम देखें अब देखो यहां पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, एक काफी इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको, अभी हमें पता चलेगा क्या वो। देखो बेटा सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे यहां पे, यहां पर हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे फोरगट। क्या शुरू करेंगे? फोरगट। और फोरगट के अंदर आ कौन रहा है पहले? यहां पे आ रहा है आपका माउथ। कौन आ रहा है? माउथ आ रहा है फोरगट में। अब देखो यहां पे क्या है, कह रहा है अगर हम बात करें इस माउथ में
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो माउथ को हम लोग कितने चीजों में डिवाइड करते हैं, इट कंसिस्ट, माउथ किन किन चीजों को कंसिस्ट करता है, चार चीजों को कंसिस्ट करता है। सबसे पहले लिप्स आता है, दूसरा क्या आ गया, टीथ आ गया, फिर कौन आ गया बेटा, टंग आ गया, और आ गया आपका सेलिवरी ग्लैंड। कौन आ गया, सेलिवरी ग्लैंड आ गया, ठीक है। एक एक करके तो सबसे पहले हमारे पास है लिप्स के बारे में। ये तो हम लोग को बेसिकली पता है कि लिप्स वन पेयर का होता है एक पेयर है ना, बट हम लोग मेन पॉइंट को लेके चलेंगे। जो लिप्स है वो एक स्पेशल टाइप के मसल्स का बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स, ठीक है। लिप्स जो हमारा है वो कौन से मसल्स का बना हुआ है, तो देखो यहां पे, मेड अप ऑफ ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स। क्लियर हो गया, किसका बना हुआ है ये, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स का बना हुआ है हमारा लिप्स। और कहता है हमारे लिप्स का जो मेन फंक्शन है बेटा वो क्या है, लिप्स का फंक्शन जल्दी बताइए तो क्या है, लिप्स का फंक्शन, इसका पहला फंक्शन क्या हो गया लिप्स का, इसका जो पहला फंक्शन है कहता है ये बोलने में हेल्प करता है। लिप्स हेल्प इन स्पीकिंग, किसमें हेल्प करेगा ये, बोलने में हेल्प करेगा। दूसरी बात बताइए तो क्या हो गया, कहता है स्पीकिंग में तो हेल्प कर ही रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि ये एक और चीज में हेल्प करता है, ये बाहर के डस्ट पार्टिकल को हमारे माउथ के अंदर नहीं जाने देगा। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रिवेंट आवर माउथ फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। किससे बचाएगा ये, डस्ट पार्टिकल से बचाएगा। ये लिप्स वाला टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। ये ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स का बना हुआ है और ये बोलने में हेल्प करेगा और हमारे माउथ के अंदर डस्ट पार्टिकल को जाने से बचाएगा। कहने को तो और भी फंक्शन है, जैसे हम फूड को होल्ड करेगा ये माउथ के अंदर, लेकिन हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये दोनों हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते बेटा सेकेंड, हमारे पास टीथ आता है, कौन आता है, टीथ आएगा। इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग पहले फटाक से, यहां पे ये टीथ आ गया ना हमारा। अब लिप्स के बाद हम ये टॉपिक देखते हैं, टीथ वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ना बिना दांत के हम कुछ भी नहीं खा सकते, और जब आप किसी चीज को चबाएंगे ही नहीं तो आपको स्वाद मिलेगा क्या, स्वाद तो छोड़ो, बोलेगा सर स्वाद तो टंग से मिल ही जाता है सर, लेकिन भाई दांत से जब तक आप किसी चीज को क्रश नहीं करोगे अच्छे से तब तक तो कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक है। तो पहले हम टीथ पे आते हैं। अब देखो यहां पे अगर हम दांत के बारे में पढ़ाई करते हैं तो स्टडी ऑफ टीथ, अगर हम दांत के बारे में पढ़ाई करेंगे तो इसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ टीथ, टीथ के बारे में स्टडी करते हैं तो ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, टीथ को तीन पार्ट में डिवाइड किया। अभी देखो आपके पास ये तीनों पार्ट है, टीथ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, पहला क्राउन हो गया, दूसरा नेक हो गया और तीसरा हो गया रूट, ठीक है। टीथ को हम कितने में डिवाइड करते हैं जल्दी बोलिएगा, टीथ इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन जल्दी बताइएगा, पहला है क्राउन, दूसरा है नेक और तीसरा क्या है रूट, क्राउन नेक रूट। अब क्राउन कहते किसको है, आप देखो यहां पे दांत का जो भाग आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का ये क्राउन है, जो पार्ट दांत का गम में धंसा हुआ है उसको हम बोलते हैं नेक, और जो बिल्कुल अंदर की ओर एम्बेडेड है उसको हम रूट बोलते हैं। तो हमने अपने टीथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया, क्राउन नेक और रूट। इसके बाद आगे आते हैं, ये हो गया ना, इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे क्या है, इसके आगे हमारे पास, इसके आगे है बेटा हमारे पास, आप देखो यहां पे, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हम टीथ के स्ट्रक्चर को डिसाइड करें। आपके बोर्ड पर यहां देखो टीथ का स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये टीथ का स्ट्रक्चर है।
अगर आप इस तीर्थ के स्ट्रक्चर को देखोगे, हालांकि मैं आपको यहाँ पर बहुत सिंपल फॉर्म में स्ट्रक्चर को बना के आपको दिखा रहा हूँ, बट आपके बोर्ड पर ये स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है। आप देखो यहाँ पे, अगर हम तीर्थ के एक सिंपल स्ट्रक्चर को देखें, आप गौर से देखना है यहाँ पे, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर ये ओपन है, एपिकल फोरामेन बोलते हैं इसको, ये दोनों पार्ट हमने वही दिखाया आपको, ये तीर्थ का जो ओपनिंग है ना ये वाला, इसको हम एपिकल फोरामेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एपिकल फोरामेन बोलेंगे। और एक बात समझेंगे, अगर एपिकल फोरामेन ओपन है, अगर एपिकल फोरामेन ओपन है तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे एपिकल फोरामेन अगर ओपन होगा तो तीर्थ लगातार ग्रो करता रहेगा। एपिकल फोरामेन के ओपन होने के कारण तीर्थ में कंटिन्यू ग्रोथ दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसको एक करके देखते हैं, ये एपिकल फोरामेन हो गया ना, इसको हमने नाम दे दिया एपिकल फोरामेन। ये देखो यहाँ पे, ये एपिकल फोरामेन दिख रहा है ना आपको, तो देखिए अगर हम लोग इसको देखें तो क्या पता चलेगा बेटा, एक बात हमको समझ में आएगा एपिकल फोरामेन के बारे में। देखो यहां पे, एपिकल फोरामेन हम क्या बोलेंगे, एपिकल फोरामेन हम लोगों में, पहले अगर ह्यूमन की बात करें तो इन द केस ऑफ ह्यूमन 12 वर्ष के उम्र तक, ह्यूमन के केस में 12 वर्ष के उम्र तक एपिकल फोरामेन ओपन होता है, जिसके कारण हमें दांत लगातार बढ़ता रहता है और नया दांत ग्रो भी करता है। लेकिन आफ्टर 12 ईयर एपिकल फोरामेन गेट क्लोज्ड, वो बंद हो जाता है, जिसके बाद ना तो कभी नया दांत आएगा और ना ही उस दांत में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एपिकल फोरामेन से एक बात पता चला कि एपिकल फोरामेन के ओपन रहने के कारण नए तीर्थ का जन्म भी होता है और तीर्थ लगातार ग्रो भी करता रहता है। अब देखो यहाँ पे, एपिकल फोरामेन में इफ ओपन देन तीर्थ ग्रो कंटिन्यूअसली, है ना, कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा। एग्जाम्पल किसमें आ गया बेटा? ये आ गया रोडेंट एनिमल्स में। रोडेंट का मतलब होता है वैसा जानवर जो कुतरने वाला हो। रोडेंट एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए रैट हो गया बेटा, स्क्वायरल हो गया, कौन हो गया, स्क्वायरल हो गया, रैबिट हो गया, ये सब जो एनिमल हैं ये सब रोडेंट एनिमल कहलाते हैं, जिनमें तीर्थ लगातार ग्रो होता रहता है क्योंकि इनका एपिकल फोरामेन ओपन होता है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आ जाएगा, टस्क ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट के भी केस में क्या होता है ना, यहाँ पे एपिकल फोरामेन ओपन रहेगा तो एलिफेंट का भी जो बाहर वाला दांत है वो लगातार ग्रो करता रहता है। अब देखेंगे इन द केस ऑफ ह्यूमन के केस में क्या होगा, एपिकल फोरामेन देखो बेटा, एपिकल फोरामेन गेट क्लोज एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। 12 वर्ष में बंद हो गया ना, तो 12 वर्ष के बाद ह्यूमन के केस में ना तो नया दांत आएगा और ना ही दांत में कोई ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया ये बात? एपिकल फोरामेन से यहां तक क्लियर हो गया ना। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो एपिकल फोरामेन के द्वारा ही ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर इंटर करता है। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम लोग लिखेंगे यहां पे, देखो तो यहां पे क्या कहेंगे, थ्रू इट ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर इंटर इन टूथ। ये एपिकल फोरामेन का क्लियर हो गया ना। एपिकल फोरामेन अगर ओपन रहेगा तो तीर्थ लगातार ग्रो करता रहेगा
और अगर एपिकल फोरामेन बंद हो गया तो ना तो तीत कभी ग्रो करेगा और ना ही तीत कभी आएगा। ये एग्जांपल क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हो गया, इसके आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं बेटा, यहां तक तो हो गया ना एपिकल फोरामेन, क्लियर हो गया ना आप लोगों का? चलो बिल्कुल, अगर ये क्लियर हो गया तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हमारे पास देखो क्या आता है, एपिकल फोरामेन के बाद तीत को लेयर में भी डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, तीत इज या लेयर्स ऑफ तीत लिखते हैं बेटा, लेयर्स ऑफ तीत, लेयर्स ऑफ तीत। अगर हम देखेंगे तीत के लेयर्स के बारे में तो सबसे पहला जो लेयर है इसको बोलते हैं इनामेल। ये तीत का सबसे पहला लेयर है बेटा, ये सबसे फर्स्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ये तीत का। और कहता है क्या, ये व्हाइट कलर का होगा, सबसे हार्डेस्ट लेयर भी है। कैसा लेयर है? सबसे हार्डेस्ट लेयर है ये। हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात फर्स्ट हार्डेस्ट लेयर, फर्स्ट हार्डेस्ट लेयर ऑफ टीथ। कौन से कलर का है ये? व्हाइट कलर का है ये। तीसरी बात पे आते हैं, हम क्या बोलेंगे इस इनेमल के बारे में? बिल्कुल बोलेंगे ये आउटर मोस्ट लेयर भी है, फर्स्ट लेयर भी है, हार्डेस्ट लेयर भी है ना। और एक बात क्या बोलेंगे हम लोग, एक बात क्या बोलेंगे सुनना, इसको सिक्रीट कौन करता है? सिक्रीटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल, सिक्रीटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल। कौन सा सेल सिक्रीट करता है इसको? अमीलोब्लास्ट सेल सिक्रीट करेगा। क्लियर है? ये फर्स्ट हार्डेस्ट लेयर तीत का, व्हाइट कलर का, और कौन सिक्रीट करता है? अमीलोब्लास्ट सेल। इसके आगे आते हैं हम लोग, दूसरा दूसरा है डेंटाइन। दूसरा क्या है? डेंटाइन है। डेंटाइन को कौन सिक्रीट करेगा? तो आप यहां देखो, ये सेकेंड हार्डेस्ट लेयर है। ये कैसा है? ये है सेकेंड हार्डेस्ट लेयर ऑफ टीथ। कौन से कलर का है ये बेटा? ये है लाइट येलो कलर का है ये। और अगर बात करें इसको कौन सिक्रीट करेगा, तो सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। कौन सा सेल सिक्रीट कर रहा है इसको? इसको सिक्रीट कर रहा है ओडोंटोब्लास्ट सेल। यहां तक क्लियर है ना टॉपिक? चलो यहां तक क्लियर हो गया, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसको जल्दी से पहले आप नोट कर लो इसको फटाक से। ठीक है, आओ हम आते हैं सेकंड पे। कहता है एक और हमारे पास है जिसको बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलेंगे हम लोग? सीमेंटम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये सीमेंटम? हम क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट बिटवीन गम एंड टूथ। गम और टूथ के बीच में प्रेजेंट होता है ये, है ना सीमेंटम। और ये करेगा क्या, दांत और गम के बीच में ये आए और टाइटली दोनों को एक दूसरे से होल्ड करके रखता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन गम एंड टूथ विच होल्ड बोथ टाइटली। अगर बात करें कौन सिक्रीट करता है इसको, तो सिक्रीटेड बाय सीमेंटोब्लास्ट सेल। क्लियर हो गया? तो इसको सिक्रीट कौन करता है? सीमेंटोब्लास्ट सेल सिक्रीट करता है इसको। क्लियर हो गया ना? तो हमने इनेमल को देखा, हमने डेंटाइन को देखा, हमने सीमेंटम को देखा, ठीक है। बाकी नर्व कैसे ब्लड सप्लाई हुआ ये देखा हम लोगों ने। अब देखो यहां पे एक और बात जो बच गया हमारे पास, एक और क्या बच गया वो समझो। एक और क्या बचा, कह रहा है पल्प कैविटी के बारे में। आप यहां पर जो देख रहे हैं ना, ये पल्प कैविटी जो आपको दिख रहा है, ये जो पल्प कैविटी है इसी को पल्प कैविटी बोलते हैं हम लोग।
और इसी पल्प कैविटी में ही क्या इंटर, ये पल्प कैविटी, ये पल्प कैविटी, इसी पल्प कैविटी में एपिकल फोरामिन से जो ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर जो इंटर किया है वो इसी पल्प कैविटी में इंटर किया है बेटा, इसी में इंटर किया, ठीक है ना। और यही सेंसिटिविटी भी प्रोवाइड करता है। सेंसिटिविटी जो आपको कई बार मिलती है, झंझनाहट, दर्द, ऐसा जो पेन होता है, ये इसी पल्प कैविटी में डैमेज होने से, इसी पल्प कैविटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे आगे हम तीथ के क्लासिफिकेशन पे आएंगे बेटा। अगर यहाँ तक हो गया है तो हम कहाँ पे आएंगे, तीथ के क्लासिफिकेशन पर आएंगे, ठीक है। अब देखो तीथ का क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ तीथ, अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करें तो देखो तो कौन कौन हो गया। पहले कौन आ गया, एक्रोडोंट, दूसरा बोलो प्लूरोडोंट, और तीसरा कौन आता है, ये है थीकोडोंट। हमारे पास टोटल कितने क्लासिफिकेशन है तीथ के, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन है, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट है। आप देखो यहाँ पे अगर आप एक्रोडोंट की बात करते हो, तीनों को हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, ठीक है, तीनों को स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। अच्छा इसको हम इधर कर देते हैं थोड़ा सा, यहां देखो सबसे पहले यहां पे आ गया एक्रोडोंट आ गया, दूसरा क्या है प्लूरोडोंट है, और तीसरा क्या है थीकोडोंट है। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। एक्रोडोंट किसको बोलेंगे आप वो समझो, कहता अगर गम के ऊपर, मसूरा के ऊपर अगर दांत अटैच होगा, गम के सरफेस से, अगर गम्स के सरफेस से तीथ अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोडोंट बोलेंगे। आप फिगर देखो यहाँ पे, मान लो ये हमने गम बनाया ब्लैक कलर का बेटा, ये मसूरा है, ये गम है, और ये हमने बना दिया इसके ऊपर तीथ। आप गौर से देखो तीथ को, तीथ क्या है, गम्स के सरफेस से अटैच है ना, तीथ अटैच्ड विथ द सरफेस ऑफ गम, ऐसे तीथ को हम एक्रोडोंट बोलेंगे। और ये किस में पाया जाता है बेटा, ये पाया जाएगा क्रोकोडाइल में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा सार्क में पाया जाएगा। ये क्लियर हो गया ना आपका, एक्रोडोंट किसको बोलते हैं हम लोग, ये क्लियर है एक्रोडोंट किसको बोलेंगे। दूसरा है हमारे पास प्लूरोडोंट। अगर प्लूरोडोंट की बात करें तो ये आपका गम हो गया, ये क्या हो गया, गम हो गया, और ये है आपका तीथ। तो तीथ दिखता कैसा है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर में, हम क्या बोलेंगे, हुक लाइक तीथ जो गम से अटैच हो। तो देखो यहां पे बेटा हुक लाइक तीथ, हुक लाइक तीथ अटैच्ड विथ, अटैच्ड विथ द सरफेस ऑफ गम, गम के सरफेस से क्या है अटैच है, इसी को बोलते हैं प्लूरोडोंट। और ये पाया गया बेटा रेप्टाइल्स में, किसमें पाया गया, रेप्टाइल्स में पाया गया। अगर हम थीकोडोंट की बात करें तो थीकोडोंट तीथ हम लोगों में पाया जाता है जो गम्स में कंप्लीटली एम्बेडेड होता है, तो हम इसके बारे में क्या बोलेंगे, वैसा तीथ। आप गौर से देखो यहाँ पे, वैसा तीथ जो गम में कंप्लीटली एम्बेडेड हो, धंसा हुआ हो। क्लियर हो रहा है ना, तो इसको हमने तीथ कहा। तो इसके बारे में क्या कहा हमने, वैसा तीथ जो गम में एम्बेडेड हो, एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ, जो मसूरा में धंसा हुआ है उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट तीथ, ठीक है। इसको आप फटाक से लिख लो, ये क्लियर हो गया ना, इसको हमने क्या कहा, तीथ एम्बेडेड इन गम। क्लियर हो गया, चलिए आते हैं आगे।
हो गया। इसके आगे, इसके आगे आते हैं बेटा हम लोग। अगर इसके आगे आएंगे तो क्या पता चलता है हम लोगों को, वो समझो। इसके आगे अब क्या करते हैं, हमारे पास थीकोडोंट था ना, थीकोडोंटिक, ये थीकोडोंट को हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा दो में, एक को बोलते हैं होमोडोंट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग हेटेरोडोंट। होमोडोंटिक और हेटेरोडोंटिक, होमोडोंट का मतलब क्या हो गया, अगर सारा दांत एक जैसा दिखने में है तो होमोडोंट बोलेंगे, अगर दांत का शेप अलग अलग है तो हेटेरोडोंट बोलेंगे। इसमें हो गया सिमिलर टाइप्स ऑफ टीथ, सिमिलर टाइप्स ऑफ टीथ, और यहां पे क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ये क्लियर हो गया ना, अगर सारा दांत देखने में एक जैसा है तो होमोडोंट बोलेंगे और अलग अलग है तो इसको हम हेटेरोडोंट बोलते हैं। अब अगर इस हेटेरोडोंट टीथ को डिवाइड करेंगे हम लोग तो चार में डिवाइड करेंगे बेटा। अब देखो यहां पे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम डिवाइड करें इस हेटेरोडोंट टीथ को तो चार में, एक को हम लोग नाम दे देंगे इंसीजर, दूसरे को कैनायन, तीसरे को क्या बोलेंगे प्रीमोलर, और चौथे को क्या बोलेंगे मोलर बोलेंगे। इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर, हमारे पास चार टाइप के टीथ हैं, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। इस चारों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले अगर हम बात करें इंसीजर की, बात करेंगे हम बेटा इंसीजर, ये देखने में ब्लंट शेप का होता है। कौन से आकार का है ये, ब्लंट शेप का है। इसका कटिंग टीथ, इसको हम लोग कटिंग टीथ भी बोलते हैं, काटने का काम करता है ये। अगर कैनायन की बात करें तो ये पॉइंटेड होता है, कैसा होगा ये, पॉइंटेड होता है ये, और टीयरिंग में हेल्प करेगा। प्रीमोलर कैसा है, इसमें देखो तो यहां दो कस्प नजर आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बाइकस्पिड बोलते हैं, और मोलर में टोटल कितना कस्प है, तीन कस्प, तो इसको हम बोलते हैं बेटा ट्राइकस्पिड। तो इसका शेप भी पता चल गया, इसको हम कैसा बोलेंगे, बाइकस्पिड, और इसका शेप कैसा है, वो है ट्राइकस्पिड शेप। क्लियर है, अगर इसके नाम पे आएंगे तो इसको हम लोग कटिंग टीथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कटिंग टीथ, काटने का काम करेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे टीयरिंग टीथ, चीरने का काम करेंगे। ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग ग्राइंडिंग टीथ, ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, पीसना, पीसने का काम करेंगे इससे हम लोग ग्राइंडिंग टीथ, और इसको हम लोग बोलेंगे विस्डम टीथ, क्या बोलेंगे, विस्डम टीथ। तो इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर, इंसीजर को कटिंग टीथ भी बोलेंगे हम लोग, कैनायन को बोलेंगे टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर को ग्राइंडिंग टीथ, और मोलर को क्या बोलेंगे, विस्डम टीथ या मेस्टिकेशन टीथ बोलते हैं, क्योंकि मोलर का कोई ज्यादा यूज होता नहीं है। अब आते हैं आगे, इसके बाद देखते हैं बेटा, अगर हम देखें इसके बाद एक और तो क्या पता चलेगा, अगर हम अपने बारे में देखें तो टोटल इंसीजर कितना पाया गया, तो चार इंसीजर अपर जॉ में, चार इंसीजर लोअर जॉ में, दो कैनायन अपर जॉ में, दो कैनायन लोअर जॉ में। अगर बात करें प्रीमोलर की तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया चार ऊपर में और चार नीचे के जॉ में, छह अपर जॉ और छह लोअर जॉ में हो गया। ठीक है, तो ये 16/16, एक एडल्ट आदमी में टोटल 32 टीथ होता है, 16/16। ठीक है, चलिए अगर ये हो गया बेटा तो इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। हो गया ना ये, ठीक है, आइए आगे। अब आओ यहां पे आगे देखते हैं हम लोग,
इसके बाद आएंगे। इसके बाद क्या पता चलेगा हम लोग को, ये तो हमने तीत को शेप के आधार पे डिवाइड किया, ये देखो ये इंसीजर है, ये क्या हो गया बेटा केनाइन हो गया, ये प्री मोलर हो गया, और ये क्या हो गया मोलर हो गया। तो ये इंसीजर हो गया ना टोटल, दो इधर दो इधर, ये दोनों भी देखो इंसीजर है, तो ये दो इंसीजर इधर दो इंसीजर इधर, फिर केनाइन इधर फिर केनाइन इधर, इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 16/16 टोटल 32 टीथ होता है हमारे पास, ठीक है ना। अभी आते हैं एक डेंटल फार्मूला हम लोग देख लेते हैं पहले फटाक से। डेंटल फार्मूला, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर बाय इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर इनटू टू। इस फॉर्मूला को बेटा याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में। तो अगर हमसे कोई पूछेगा डेंटल फॉर्मूला, अगर कोई पूछा डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, तो हम क्या क्या लिखेंगे, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर बाय इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर इनटू टू। अब देखो तो छोटे बच्चे में कितना हो गया इंसीजर, इंसीजर होता है दो, केनाइन एक हो गया ना, प्रीमोलर जीरो हो गया, मोलर दो हो गया। तो आप इसको याद रखेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू को टू से मल्टीप्लाई क्या हो गया फोर, फिर टू को वन से किया हमने टू, टू को जीरो से किया फिर टू को टू से किया। अगर हम ये करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है 10/10। एक छोटे बच्चे में टोटल 20 दांत होता है, 10 दांत ऊपर के जॉ में और 10 दांत नीचे के जॉ में, ये छोटे बच्चे का हो गया, लिख लिया। अगर हम देखेंगे डेंटल फार्मूला एडल्ट का, किसका देखते हैं हम लोग डेंटल फार्मूला एडल्ट का देखते हैं हम लोग, तो देखो तो यहां पे तो क्या हो गया यहां पे 2123 बाय 2123 इंटू टू। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4246/4246 हो आएगा, यहाँ पे इंटू टू नहीं आएगा बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है हम लोगों ने। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 16/16, मतलब एक एडल्ट आदमी में टोटल कितने तीत होते हैं 32 तीत होते हैं एक एडल्ट आदमी में, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया किसके बारे में, हमने डिस्कस किया पूरा का तीत के बारे में। तो लिप्स के बारे में पता चला हम लोगों को, और किसके बारे में पता चला, तीत के बारे में पता चला कि तीत में क्या क्या है और कैसे है, ये क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, इसको जल्दी से कर लीजिए आप लोग।